बट अगर चौड़ाई और ऊंचाई देखी जाए तो ये गाड़ी फॉर्च्यूनर से भी दती नहीं है। मतलब सो वेलकम बैक टू द अदर वीडियो दोस्तों। तो आज सामने खड़ी स्कॉर्पियो वैन Z2, अब इस गाड़ी में है क्या? ये गाड़ी का बेस मॉडल है, कितने रुपए का पड़ रहा है? 14,25,000 रुपए का। जो बंदा स्कॉर्पियो वैन Z2 लेने जा रहा है उसको क्या क्या इस गाड़ी के अंदर देखने को मिलेगा आपको इस वीडियो में आज पता चल जाएगा। और इस गाड़ी में क्या क्या फीचर आपको ऑफर कराए जा रहे हैं महिंद्रा के द्वारा, कैसी ये गाड़ी और कैसा इसमें आपको इंजन देखने को मिलेगा इस वीडियो में पता चल जाएगा। सो वेलकम बैक टू द अदर वीडियो दोस्त, मेरा नाम है प्रियांशु यादव, आप देख रहे हैं प्रियांशु, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो ये सामने खड़ा हुआ स्कॉर्पियो वैन का Z2 मॉडल, अब ये जो उसका मॉडल है ये बेस मॉडल है। अब होता क्या है, जैसे कोई इंसान गाड़ी लेने जाता है क्या, जैसे मान के चलो आपको बेस मॉडल लेना, तो ये वाली जो गाड़ी है शोरूम आपको 14,25,000 रुपए की देखने को मिलेगी। ठीक, अब 14,25,000 रुपए में यदि आप स्कॉर्पियो एन लेने जा रहे हो तो उस गाड़ी के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिल जाएगा, चलिए बात करते हैं। शुरुआत जब करोगे तो शुरुआत सबसे पहले फ्रंट से करी जाएगी। फ्रंट में जब आप उस गाड़ी को आओगे तो सबसे पहले जो आपकी चीज नजर आएगी वो आएगी इसकी रोड प्रेजेंस। जो इस गाड़ी की रोड प्रेजेंस है ना भाई, कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ वो इस गाड़ी से भी ज्यादा अच्छी मेरे को देखने में लगती है। भाई काले रंग में तो खैर इस गाड़ी की बात अलग है, बट अगर चौड़ाई और ऊंचाई देखी जाए तो ये गाड़ी फॉर्च्यूनर से भी दबी नहीं है। मतलब देख रहे हो 14 लाख रुपए में फॉर्च्यूनर से बड़ी गाड़ी देखने को मिल जा रही है, और क्या ही चीज चाहिए। अब 14 लाख रुपए मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यार ये कम रुपए होते हैं, कोई ज्यादा रुपए है नहीं हिसाब की गाड़ी के हिसाब से। जब सबसे पहले स्टार्टिंग से बात करोगे तो सबसे बढ़िया आपको देखने को मिलेगी इसकी रोड प्रेजेंस। आगे से आपको देखने को मिल जाएगा महिंद्रा का नया वाला लोगो। यहाँ पे आपको कोई भी ज्यादा मतलब स्टाइलिश सी ग्रिल देखने को नहीं मिलेगी, जो ब्लैक वाली ग्रिल होती है ना, बेसिक सी ग्रिल आपको यहाँ पे दी गई है। और इधर से अगर बात कर लीजिए तो यहाँ पे हैलोजन वाली हेडलाइट देखने को मिल जाएगी, यहाँ पे आपका लो बीम, यहाँ पे आपका हाई बीम, यहाँ पे आपका इंडिकेटर देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे आपकी पार्किंग वाली छोटी सी बल्ब देखने को मिल जाएगी। कोई भी नीचे आपको फॉग लैंप ऑफर कंपनी के द्वारा कराया नहीं गया क्योंकि बेस मॉडल है, साफ सीधी बात है। हनीकॉम में आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको डिजाइन देखने को मिल जाएगा। ये तो बात हो इसकी आगे आगे से, आगे आगे आपको क्या देखने को मिलता है। साइड से एक बार इसकी आप लुक चेक कर लो, साइड से देखना कुछ इतनी बड़ी गाड़ी आपको देखने मिलेगी, पूरी गाड़ी आपको वही देखने मिलेगी, बस इसमें इंजन किस गाड़ी का चेंज है और थोड़े बहुत फीचर्स में आपको नहीं देखने मिलने। अगर आपको काम चलाना अपनी गाड़ी के लिए, मतलब आपको कह लो कि एक वैल्यू फॉर मनी गाड़ी चाहिए, तो आप इसकी तरफ जा सकते हो। सबसे पहले बात करिए गाड़ी की टायर साइज की, तो टायर साइज इस गाड़ी में देखने मिले 245/65/17 इंच के, इसमें आपको व्हील देखने मिल गया। आगे भी इस गाड़ी में आपको डिस्क ब्रेक देखने मिल जाएगा, पीछे की तरफ जब बढ़ोगे तो पीछे भी इस गाड़ी के अंदर आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाएगा। 245/65/17 का टायर आपको देखने मिलता है इसमें। ठीक है, अब इसमें जब आप एक चीज नोटिस करोगे तो इसमें एक चीज नोटिस करने वाली अच्छी क्या है, फेंडर पर कोई भी इंडिकेटर गाड़ी के अंदर नहीं दिया गया, इंडिकेटर जो दिया गया वो यहाँ पे आपको मिरर के ऊपर दिया गया है। ठीक, ये काफी अच्छी चीज है। पीछे से जब जाओगे तो यहाँ पे जो इसके डोर ओपनर है बॉडी कलर नहीं आते हैं, ब्लैक कलर के आते हैं, बाद में जाके आप अपने बॉडी कलर डिन करा सकते हो। और कोई भी इसमें ना रिमोट से गाड़ी खुल जाएगी ऐसा नहीं, इसमें सेंटर लॉकिंग नहीं आती, आपको फिजिकल की ही लगानी पड़ेगी। ठीक है, जब इतनी बात कर रहा हूँ तो आपको चाबी भी दिखा दे रहा हूँ, कुछ ऐसी चाबी इसमें देखने मिल जाती, कोई भी बटन इसमें है नहीं, और मतलब केवल केवल आपको चाबी इसमें लगानी पड़ेगी। ठीक, पीछे की तरफ से जब बढ़ोगे तो पीछे का जो आपको लुक दिखाऊं तो पीछे से कुछ ऐसा लुक निकल के आने वाला जो कि भाई मतलब बस मैं एक चीज को उसको कंसीडर करके चलो कि आपको केवल और केवल 14,25,000 रुपए में एक शोरूम देखने को मिल रही है गाड़ी। ठीक, जैसे जब आप आ जाओगे तो यहाँ पे आपको एलईडी का सेटअप देखने को मिल जाएगा, पूरा पूरा ये वाली लाइट जो है एलईडी के अंदर होने वाली है, पीछे वाला सीजन कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा, वाइपर इस पे देखने को मिलता नहीं है, डिफॉगर यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, नहीं ऊपर जाओगे तो स्टॉप लैंप यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा साथ ही साथ में, और ऊपर जब बढ़ोगे तो सारे फिन एंटीना देखने को आपको ऊपर मिल जाएगा, यहाँ पे नया वाला लोगो देखने को मिल जाएगा। और नीचे की तरफ जब बढ़ोगे तो यहाँ पे कोई भी कैमरा कंपनी के द्वारा प्रोवाइड नहीं कराया गया, बट इसमें आपको दो सेंसर यहाँ पे प्रोवाइड कराए, एक सेंसर इधर एक सेंसर इधर, यहाँ पे आपको इसके बैक लैंप देखने को मिलेंगे, जब गाड़ी रिवर्स में लगती है तो ये वाली लाइट जलती है। ठीक, इधर से बात कर लीजिए तो यहाँ पे आप अपना डीजल भरवा सकते हो और डीए भरवाने की जगह आपकी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो ये तो बात होगी इसकी बार बार से, बार बार से गाड़ी आपको कैसे देखने को मिलेगी, थोड़ी बहुत अंदर से भी बात कर लीजिए कि अंदर से कैसी गाड़ी है। तो अंदर से जब आप बात करोगे तो अंदर सबसे पहले जब गेट खोलोगे तो कुछ ऐसी गाड़ी आपको देखने को मिलेगी, पूरी गाड़ी पर भी पन्नी लगी हुई है जो कि स्टॉक आती है। अब इसमें देखने को क्या क्या मिल जाएगा फीचर मैं बताऊं, देखो एक तो पूरा ये ना ब्राउन ब्राउन सा टच दिया जो कि काफी लग्जरी सा देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको ये सारे विंडो कंट्रोल देखने को मिल जाएंगे, 1, 2, 3, 4 आपको विंडो कंट्रोल देखने को मिल जाएंगे, कोई भी हत्ते वाले विंडोज में देखने को मिलते, काफी अच्छी चीज ये हो गई बेस मॉडल के हिसाब से। डोर लॉक अनलॉक का फीचर यहाँ देखने को मिल गया, विंडो लॉक विंडो अनलॉक का फीचर यहाँ पे देखने को मिल गया। ORVM के कोई भी कंट्रोल यहाँ पे दिए नहीं है, ये वाले जो है ये बिल्कुल मैनुअल है, मतलब आराम से देसी वाले हैं, हाथ हाथ से चलाओ कोई भी, ना तो यार अपने आप खुलते ना तो अपने आप सेट होते हैं। ठीक, इंटीरियर की अगर बात कर लीजिए तो इंटीरियर कुछ इसमें ऐसा देखने को मिल जाएगा, चलिए बैठ के बताता हूँ कि कैसा देखने मिलेगा। सबसे पहले चीज आप महसूस क्या करोगे, ये गाड़ी जमीन से बहुत ऊंची है, मतलब आपको इसमें चढ़ना पड़ेगा, जैसे कहते हैं ना कि गाड़ी में बैठ जाओ, बैठना नहीं है इसमें चढ़ना है आपको। इंटीरियर कुछ इस गाड़ी का ऐसा आपको देखने को मिल जाएगा जहाँ पे आपको नया वाला लोगो, ये डी कट में आपको स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलेगा, मीटर कुछ इसमें ऐसा देखने को मिल जाता है जो कि आपका जब चाबी लगाते हो तो एक बार स्वाइप होता है, मतलब दिखा देता हूँ एक बार देखो, कुछ ऐसा करके एक बार स्वाइप आएगा, स्कॉर्पियो यहाँ पे बन के आएगी। बीच में इसकी MID दी गई है जो कि सारी चीजें बताती रहेगी, ट्रिप है ट्रिप भी, रेंज वेंज सब आपको इसके अंदर पता चलती रहती है। ठीक, और ये पूरा कॉफी कलर में दिया, ये देख रहे हो, ये सॉफ्ट टच नहीं हार्ड टच है बट अच्छा लगता है देखने में। ठीक है, यहाँ से आप लाइट लेवलर देखने को मिल जाएगा, यहाँ से आप अपनी MID कंट्रोल कर सकते हो, ये स्टॉप लैंप, ये ऑटो स्टार्ट ऑफ का बटन है। ठीक, इधर से जब आप आओ तो यहाँ पे आपको कंपनी की तरफ से आफ्टर मार्केट एंड्रॉइड लगा हुआ मिल जाता है जो कि काफी अच्छी चीज है, क्योंकि बेस मॉडल के अंदर आपको ऐसी चीज देखने को मिल जाती है जो कि अच्छी चीज है, क्योंकि ज्यादातर गाड़ियों के अंदर आपको बेस मॉडल के अंदर साउंड सिस्टम ही देखने को नहीं मिलता, और आपको टच स्क्रीन देखने को मिल रहा और स्पीकर भी साथ में मिलना तो क्या ही बुरी बात है। ठीक, नीचे की तरफ से जब आओ तो यहाँ पर कुछ ऐसे AC कंट्रोल आपको देखने को मिल जाते हैं जो कि मैनुअल वाले रहने वाले हैं, यहाँ से आप अपना हैजार्ड स्विच जला सकते हो। थोड़ा नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको USB चार्जिंग मिल जाएगी, ऑक्स यहाँ पर आप लगा सकते हो,
जहाँ पर आपको फोन वोन रखने की थोड़ी बहुत जगह दी गई है। अगर इसकी बात कर ली जाए तो ये 6 स्पीड का गियर बॉक्स है, जो कि इसमें बैक गियर वो उठ के पड़ता है। ठीक, यहाँ से आप आओगे तो यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर दिए गए और मैनुअल में आपको हैंड ब्रेक देखने को मिल जाएगा, हैंड रेस्ट कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है और थोड़ी बहुत जगह भी इसके अंदर दी गई है, थोड़ी बहुत नहीं अच्छी खासी जगह दी है, कुछ भी गहरी चीज जा सकती है। ठीक, ऊपर से आओगे तो ऊपर यहाँ पे थोड़ी बहुत स्पेस आपको दी गई है, जो इसमें कमांडिंग पोजीशन मिलती है वो तो भाई मतलब एक नंबर है। अगर आप सोचो कि आप छोटी मोटी गाड़ी में बैठे हो, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं, आपको साफ ही फील हो जाएगा कि आप एक बड़ी विशालकाय गाड़ी के अंदर बैठे हुए, मतलब ना रोड प्रेजेंस जो है वो तो साफ साफ इस गाड़ी की कहीं ना कहीं खेल जाती है। ठीक है, इधर से बात कर लिया तो ग्लोव बॉक्स इसमें कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है, जो कि गोल्ड वाला ग्लोव बॉक्स नहीं, बेस मॉडल में क्यों लेना आपको गोल्ड वाला ग्लोव बॉक्स। ठीक, ये जो चीज है ना ये आपकी ना टाइट टाइट है, ये सोचो आपकी क्या कहते हैं सॉफ्ट टच के अंदर दी गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, इधर से जब आप आओगे तो IVRVM जो है ना आपका, ये आपका कहता है मैनुअल वाला देखने को मिल जाएगा। इधर आपको लाइटें देखने को मिल जाएंगी जो कि LED के अंदर दी, पीछे भी आपको LED के अंदर लाइट देखने को मिलेगी। ठीक, तो ये तो बात होगी भाई भाई इसके आगे आगे से। ठीक है, जल्दी जल्दी वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि गाड़ी मेरी जाने वाली है। ठीक है, इसको माइंड मत करना, इसलिए बहुत तेज बोलना पड़ रहा है मुझे। अब बात कर लेते हैं इसके पीछे से, पीछे कैसी आपको गाड़ी देखने को मिलेगी और पीछे इसमें कितनी स्पेस दी गई है। ठीक है, जब पीछे आओगे तो साफ सी बात है पीछे भी इसमें आपको चढ़ना पड़ता है क्योंकि गाड़ी काफी ऊंची है, बैठना वाला सीन ही नहीं है इसमें, कहता ना आदमी बैठ जाओ गाड़ी में घुस जाओ, तो घुसता नहीं है भाई, इसमें चढ़ते हैं ऊपर। सबसे पहले जो चीज आप नोटिस करोगे इस गाड़ी में बैठ के, इसकी मतलब ना ऊंचाई बहुत है, लेवल जो है ना इसका काफी ऊंचा है, मतलब देख रहा हूँ कितना ऊंचा बैठा हूँ, ऐसा लग रहा है गड्ढा है जमीन में। ठीक है, इधर से जब आओगे तो यहाँ पर बोतल होल्डर दिया गया, यहाँ पर आप आराम से पकड़ने के लिए दिया गया और यहाँ पर आपको विंडो कंट्रोल देखने को मिल जाएगा। और ये जो चीज है ना ये आपकी ब्लैक में दी गई, कोई भी सिल्वर टच इसमें अंदर नहीं दिया गया, ये है ना ये सबका सब हार्ड प्लास्टिक है, बट इसको ब्राउन पेंट कर दिया गया, तो इसलिए ना ये देखने में काफी लग्जरी टाइप का लगता है। बट इसमें पीछे चीज एक अच्छी चीज क्या देखने को मिल गई, पीछे भी इस गाड़ी के अंदर आपको AC वेंट मिल जाता है, जो कि बेस मॉडल के हिसाब से काफी अच्छी चीज है। टाइप सी का यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट आपको देखने को मिल जाता है। स्पेस की अगर बात करिए तो स्पेस यहाँ पे 3 लोग बहुत ही आराम से बैठे, 1-2-3 लोग आराम से इसमें बैठ जाएंगे। छोटा सा यहाँ पे ना हेडरेस्ट दिया हुआ, मतलब सही है यार, थोड़ा बहुत इसकी शेप ऐसी दी गई जो कि हेडरेस्ट को रेप्लीकेट कर जाती है थोड़ी बहुत। ठीक है, हेडरेस्ट की अगर बात करिए तो इस गाड़ी के अंदर आपको हेडरेस्ट भी देखने को मिल जाता है, अंदर लगा हुआ, अभी पन्नी फाड़ के निकाल नहीं सकता। और यहाँ पे आपकी इसकी LED दी गई है। ठीक, तो ये तो बात होगी इसमें पीछे पीछे से, सबसे पीछे मैं जाऊंगा नहीं क्योंकि उसमें भाई हिसाब सी बात है पीछे से दिखा नहीं सकता, क्योंकि पीछे आपको ज्यादातर कुछ देखने को मिलता नहीं है, वही बच्चे वाले हैं, अगर 2-3 बच्चे बैठे तो उन्हें पीछे बैठा सकते, वरना बड़े लोगों के लिए तो मेरे हिसाब से ज्यादा अच्छी सीटिंग रहती नहीं है। ठीक है, बात करिए इसके इंजन की, इसमें इंजन कौन सा देखने को मिलेगा, तो स्कॉर्पियो क्लासिक जो आती है जैसे आप काला घोड़ा नाम से जानते हैं, वो वाला इंजन इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है, जो कि 130 BHP निकाल के देता, साथ ही साथ में 300 Nm का टॉर्क निकाल के देता, 2200 cc का इंजन है। एवरेज की बात कर लीजिए तो एवरेज इसमें थोड़ा बहुत बेटर मिल जाएगा, स्कॉर्पियो N का जो वाला इंजन आता ना, जो कि आपको 178 BHP देता, उसकी कंपैरिजन इसमें थोड़ा बहुत एवरेज आपको बेटर देखने को मिल जाएगा। तो बस यही गाड़ी थी जो कि आपको पूरी की पूरी रहने वाली, थोड़े बहुत फीचर्स में जल्दी जल्दी हो सकता है छूट गई, जितनी वीडियो बनी उतनी मैंने बना दी क्योंकि गाड़ी जाने वाली है, मैं जल्दी से मांग के लाया था। और अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो मेरे से पर्सनली पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में आपका जवाब दे दूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल।